Bismillah Rahman Rahim and Assalamualaikum everyone. I hope all of you having a great time today. In this video, we are going to cover a very important and famous poem in a station of the metro by azra Pound, who is one of the most celebrated imagist poet. Before discussing this poem, it is important to know what is a imagist poetry and an imagist poet. Basically, imagist poetry is the use of images with simple and known artistic.

ले मैन उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था अलॉन्ग विद डिफ़िकल्ट डिफिकल्टुकैब दे फोकस्ड ऑन लिटरली एलिमेंट्स एंड रूल्स फॉर इंस्टेंस मीटर फॉर्म एंड फोम स्कीम ऑफ द पोइट पोइट बहुत स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करते थे इवन समाइम्स दे कम्प्रोमाइज विद देयर मैसेज इन ऑर्डर टू मीट दीज गाइडलाइंस आल ऑफ दिज रिस्ट्रिकशन आर एंड एंडेटेड इन इमेज पोइटरी इमेज पोइट मेनली मैसेज के ऊपर फोकस करते हैं और इमेजरी को यूज करके मैसेज को डायरेक्टली एक्सप्लेन करते हैं इमेज पोएट्री इज सम हाउ सिमिलर टू मॉडर्न पोइट्री बट विद अ डिफरेंस डेट इमेज पोइट्स अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स एंड डिटेल्स बाय यूजिंग प्रिसाइज लैंग्वेज एंड इमेजरी इमेज पोइट्स अपने सेंट्रल मैसेज के ऊपर फोकस करते हैं बाई यूजिंग इमेजरी डेट क्लियरली कन्वेज द मैसेज दे यूज कंसाइज एंड ब्रीफ लैंग्वेज इनकी पोइम्स बहुत शॉर्ट होती हैं फ्यू लाइन्स में अपना कम्प्लीट मैसेज कन्वे कर देते हैं इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग लेंथी पोइम्स आज की पोइम जस्ट ट्वेंटी वर्ड्स की है इंक्लूडिंग इट्स टाइटल और ये एक वर्बलेस पोइम है इससे पता चलता है कि इमेज पोइट्स कितना स्किलफुली लैंग्वेज को यूज़ करते हैं यानि के ये अपनी पॉइंस में ऐसे लैंग्वेज को यूज करते हैं कि एक वर्ड इतना इम्पैक्टफुल होता है कि उसको मज़ीद डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि इस पॉइंट में एक वर्ड एप्रियशन यूज़ हुआ है जो कम्प्लीट मैसेज रिफ्लेक्ट करता है यानी कि पॉइंट ने ज़्यादा डिटेल्स नहीं ऐड की इस पोइम में टू रिफ्लेक्ट हिज मैसेज रादर ही यूज्ड अ इमेज ऑफ वन वर्ड डेट एक्सप्लिस कन्वेड हिज मैसेज जबकि दूसरे पोइट इस एक चीज के लिए बहुत डिटेल्स डालते हैं जिससे पोइटरी का डायरेक्ट लिंक मैच से ख़त्म हो जाता है देअर फोर एजडा पॉन्ड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुन्शल पोइट इन डोमेन ऑफ पोइट्री आई होप यू ऑल हैव गोटन द आइडिया डेट वाट इज आ इमेज पोइट एंड आट्री सो नाउ लेट्स जस्ट फॉर्मली स्टार्ट और टूडेज वीडियो इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो अगर हम इस पोइम के टाइटल को देखें तो इससे पता चलता है कि पोइट एक सबवे स्टेशन पे है और वो उस स्टेशन का एक्सपीरियंस इस पोइम में शेयर कर रहा है इसके साथ सबवे स्टेशन इज़ आल अबाउट कैस एंड मेस स्टेशन पे हमेशा अफरा तफरी होती है लोग आते जाते हैं यानी हर चीज़ मैसी और अनडिज़ायरेबल लगती है कुछ भी पीसफुल या अच्छा नहीं लगता और इसके साथ मेट्रो स्टेशन गिव्स द आइडिया ऑफ अर्बन लाइफ यानी कि सिटी लाइफ इसके बाद पोइम की फर्स्ट लाइन में पोइट कहता है द एप्रिएशन ऑफ दीज फेसिस इन द्राउड यहाँ पे वर्ड एप्रिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द इंटायर पोएम अगर आपको इस वर्ड और इमेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आपको इस कम्प्लीट पोइम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है कि इमेज पोइट एक वर्ड में अपना पूरा मैसेज कन्वे कर देती हैं सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अफेक्टिव वे अप्रिएशन वर्ड का अगर हम लिटरल मीनिंग लें तो इसका मतलब होता है कि गोस्टली फिगर्स जो एकदम से आपके सामने आ जाते हैं जैसे कि हॉर मूवीज में एकदम से गोस्ट आपके सामने आ जाता है और आप डर जाते हैं या शॉपड हो जाते हैं लेकिन इस पोइम में किसी गोस्ट की बात नहीं हो रही तो इस पोइम में इस वर्ड का सबवे स्टेशन में जो लोग हैं उनके साथ लिंक किया है यानी कि जो लोग मेट्रो स्टेशन पे होते हैं वो सब बहुत जल्दी मूव करते हैं और कभी कभी तो वो एकदम से आपके सामने आ जाते हैं और बहुत ब्लडी सा विजन लगता है और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आपका कोई जानने वाला हो वो, वो भी आप पहचान नहीं पाते सो दिस अपीयरेंस ऑफ पीपल अपीयर्स एज अ सडन गोस्टली अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ यू यानी कि जो लोग एकदम से अपीयर होते हैं सबवे स्टेशन में आपके साथ उसको लिंक किया है गोस्टली फिगर्स के साथ जो एकदम से सामने आ जाती हैं तो इस फर्स्ट लाइन का मतलब है इन लोगों की गोस्टली फिगर जैसे अपीयरेंस इस क्राउड में और फर्स्ट लाइन को समझने के लिए सेकंड लाइन को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों लाइंस लिंक्ड हैं जैसे कि फर्स्ट लाइन के फर्स लास्ट में कोलन है जो इस लिंक को शो करता है कि हमें इन दोनों लाइंस को कनेक्ट करना है इन ऑर्डर टू गेट द क्लियर मैसेज सेकेंड लाइन में पोइट कहता है पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो अब नेक्स्ट लाइन में सडनली सीन चेंज हो गया है फर्स्ट लाइन में एक सिटी लाइफ का सीन प्रेजेंट किया गया था लेकिन अब नेक्स्ट लाइन में नेचुरल लाइफ का सीन प्रेजेंट किया है ये एस्पेक्ट इमेजेस पोइट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमेजेस पोइट्स टू डिफ़रेंट इमेज़ को यूज़ करते हैं और उसको एक इमेज बना देते हैं लिंक करके जैसे कि इस पोइम में किया है ये फर्दर क्लियर होगा जब मैं नेक्स्ट लाइन एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे दोनों कनेक्टेड हैं ओके सो कमिंग बैक टू लाइन नंबर टू पोइट सेज पेटल्स ऑन अ ब्लैक बो यानी कि जो सबवे में लोग थे वो ऐसे हैं जैसे कि पेटल हों किसी फ्लॉर के और उसके बाद वेट ब्लैक बो कहा है ब्लैक बो किसी भी ट्री की तब होती है जब वो अपने ट्री से टूट जाए और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए और अगर हम इस लाइन को फर्स्ट लाइन से लिंक करें तो लोग भी स्टेशन पे आते हैं और फिर चले जाते हैं तो इन टू लाइंस में बेसिकली ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ को रिफ्लेक्ट किया है और इस थीम को सपोर्ट करने के लिए मेट्रो और ब्लैक बो के सीन से यानी कि लाइफ बहुत शॉर्ट है ट्प्रेरी है जैसे लोग स्टेशन पर आते हैं और फिर चले जाते हैं और इसी तरह लोग इस दुनिया में आते हैं और फिर चले जाते हैं लेकिन दुनिया ऐसे ही चलती रहती है यानी कि किसी आने या जाने से नहीं रुकती जैसे कि सब्वे पे लोग आते हैं और चले जाते हैं लेकिन सब्वे की जो एक रूटीन है वो चलती रहती है इसी तरह से ब्लैक बोग की इमेज से भी यही चीज़ रिफ्लेक्ट की है कि कुछ टाइम तक ब्रांच अपने ट्री के साथ थी और फिर टूट गई और उसकी लाइफ खत्म हो गई इसी तरह से एक माइनर थीम जो मेजर थीम के साथ लिंक्ड है जैसे मेट्रो स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी पीसफुल नहीं होता मैसी होता है और समटाइम्स तो क्यों जैसी सिचुएशन होती है लेकिन पोइट ने उसको एक नेचुरल सीन के साथ लिंक किया यानी उस मैसी और अनडिज़ायरेबल सिचुएशन से एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखा यानी कि इंसान की लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो इंसान को उन डिफ़िकल्टीज़ को एक हेल्दी वे में लेना चाहिए डिस हार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि लाइफ ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो जल्द ख़त्म भी हो जाती हैं सो डैट वॉज ऑल फॉर दिस पोइम आई होप ऑल ऑफ यू हैव फुली गोटन द आइडिया एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कामेंट सेक्शन सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो टिल दैन अल्लाह हाफिज़